दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़, मैं पूजा। हत्या कर फेंके गई युवती के शव का रविवार की सुबह पुलिस ने बारीकी से परीक्षण किया तो युवती की गला घोटकर हत्या करने के साक्ष्य मिले हैं। माना जा रहा है कि हत्या के बाद शव को एक खेत में फेंक दिया गया। घटना स्थल से कुछ ही दूर उसका बैग भी पड़ा हुआ मिला है। पुलिस ने फिलहाल भौतिक साक्ष्य एकत्र कर शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। दरअसल पूरा मामला मऊगंज थाना क्षेत्र के फूल गांव का है, जहां शनिवार की रात युवती का शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान काजल के रूप में की गई थी। शुक्रवार को युवती घर से निकली थी, जिसके बाद गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। कुछ घंटे बाद ही युवती का शव भी बरामद किया गया। बताया जाता है कि घटनास्थल से युवती के पास से जेब एयरफोन, 700 रुपए नकदी, 2 सिम कार्ड और मंगलसूत्र भी बरामद हुआ था। इतना ही नहीं, एक प्रेम पत्र भी मिला है, पुलिस जिसके आधार पर कुछ संदेहियों को पकड़कर पूछताछ भी कर रही है। दरअसल युवती के बैग में एक दुपट्टे का फंदा बना मिलने से पुलिस हैरान हो गई थी। माना जा रहा है कि इसी दुपट्टे से गला घोटकर हत्या की गई है और उसी के आधार पर पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया तो इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उसी दुपट्टे से गला घोटकर युवती को मौत के घाट उतारा गया था। इसके साथ ये भी माना जा रहा है कि जिस प्रेमी के लिए उसने पत्र लिखा है, जिससे वो शादी करना चाहती थी, उसी ने उसे छुटकारा पाने के लिए उसे बुलाया और गला घोटकर युवती को मौत के घाट उतार दिया है। आपको बता दें कि युवती अपने घर से 45,000 रुपए लेकर निकली थी, जो पैसा नहीं मिला है और ना ही युवती का मोबाइल बरामद हुआ है। पूरे मामले को लेकर डीएसपी नवीन द्विवेदी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। दिनांक 20 तारीख को गांव खटकरी से फरियादी नईगढ़ी थाने पे पहुंची और उनके द्वारा बताया गया कि उनकी बच्ची लापता है, जिसकी सूचना पे थाना नईगढ़ी के द्वारा गुमशुदगी दर्ज की गई। जो गुमशुदा लड़की थी उसका नाम काजल जायसवाल है, पिता अनोखे लाल जायसवाल, और इसके गुमशुदगी दर्ज करने के बाद में पुलिस के द्वारा उसकी जांच पड़ताल की गई, उसके कथन बयान लिए गए और दूसरे दिन शाम को, मतलब देर शाम को, पुलिस को ये सूचना मिलती है कि एक युवती का शव तालाब के किनारे पड़ा हुआ है छुरिया गाँव में। और जब घटनास्थल पर जाके पुलिस के द्वारा निरीक्षण किया गया तो वह शव काजल जायसवाल का था। इसके बाद में पुलिस के द्वारा एफएसएल टीम बुला के उसका क्या, उसका अग्रिम कार्रवाई की गई, मर्ग जांच कार्रवाई कराई गई, उसका पीएम कार्रवाई की जा चुकी है। प्रारंभिक विवेचना और जो एफएसएल की डॉक्टर टीम थी उनके द्वारा और बाद में पीएम की जो प्रारंभिक रिपोर्ट मिली है उसके आधार पर यह स्ट्रैंगुलेशन प्रतीत हो रहा है और इसमें लड़की के गला दबा के हत्या की गई है। इसके अलावा इसका जो घर से लगभग पीछे 300 मीटर दूर पे एक बैग मिला है, बैग में कुछ कपड़े मिले हैं उसके, और इसके अलावा उसके सारे डॉक्यूमेंट और भी कई सारी चीज़ें वहाँ से प्राप्त हुई। इसके अलावा वहाँ पे एक दुपट्टा भी मिला है घर से लगभग 300 मीटर दूर, और बॉडी जो है वो घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर तालाब के पास में फेंकी गई है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसकी हत्या उस दुपट्टे के द्वारा की गई है।